नहीं था तो पॉडकास्ट हो गया कंप्लीट शूट। मैं तो पहले जाता था दिल्ली वगैरह, बट भाई को दिल्ली से मैंने धनबाद बुला लिया। कैसे एवरीवन, सबसे पहले अरवाज भाई को वेलकम हमारे धनबाद सिटी में। पर अच्छी बड़ी बात है क्योंकि ये डाइट बहुत ज्यादा प्रॉपर एकदम रहते हैं। मनोज भाई कैसे हो? वीडियो में देखे होंगे। हाँ, पहले तो इधर बनाते थे, अभी फिलहाल ये बोर्ड लगने को। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफर। तो मैं हूँ इस समय धनबाद में, धनबाद यानी झारखंड रांची में। और दोस्तों आज मैं एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहा हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मनोज देव भाई की। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअल में उनकी कॉल आई थी मेरे पास और ये मेरे सरप्राइज था। एक्चुअल में मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर मिला तो मैंने उन्हें मैसेज डाला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सडनली उनकी कॉल आई कि डायरेक्ट आप हमारे पॉडकास्ट में आइए और मैं अगले हफ्ते आपको डेट देता हूँ। तो टुडे आई एम हियर धनबाद। ये रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं पीछे, और ये रांची झारखंड में आता है और मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। रात जो चला था मैं 7:45 पर चला था। कल ही मैं जो है आया था अंडमान निकोबार से आया था, और कल ही आने के बाद मैं तुरंत जो है ट्रेन में बैठ गया। तो अभी लगभग 10 बज चुके हैं और मैं धनबाद आ चुका हूँ, और उसके बाद अब जा रहे हैं मनोज देव भाई से मिलने के लिए। तो भाई यहाँ से ना हमने ये गाड़ी कर ली है, ये है स्विफ्ट डिजायर, इसी से चलने वाले हैं। हमें जाना है बिग बाजार में। चलो भैया बैठ जाइए। तो एक्चुअल में यहाँ पर ना ओला उबर नहीं चलता है, तो मनोज देव भाई ने मुझे कॉल करके बताया था कि आप यहाँ से ये टैक्सी कर लेना। अब देख रहे टैक्सी में भी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लगी हुई है, वाकई में नई कार है बिल्कुल, देखो। तो एक्चुअल में दोस्तों जो झारखंड राज्य है ना उसी की राजधानी है रांची, और रांची में ही एक जिला है धनबाद जहां पर मनोज देव भाई आई थिंक रहते हैं, जहां उन्होंने मुझे बुलाया है। तो अभी हम चल रहे हैं, तो यहां पे ना हम थोड़ा सा रुके हैं। ये जो शॉप है ना, यहां से हमने चॉकलेट ली है डेयरी मिल्क की, साथ ही साथ केक लिया है। क्योंकि जब संदीप महेश्वरी के शो में आए थे ना मनोज भाई, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात थी, तो उसी पर मैं नेम लिखवा रहा हूँ मनोज देव भाई का। तो भाई मैंने केक ले लिया। एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि संदीप सर के शो में जाना मनोज देव भाई के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और मेरा तो एक बहुत बड़ा सपना था कि कभी मैं संदीप सर के शो में जाऊंगा। क्योंकि आज से 5-6 साल पहले, लगभग 2013 में या 2015 में मैं उनके शो में गया, बट हम उनको देखने के लिए गए थे बट पॉडकास्ट में जाने का मौका नहीं मिला। तो अभी हम चल रहे हैं, पास में ही है लगभग बिग बाजार आ चुका लगभग। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिग बाजार है, और इसी के पास जो उन्होंने एड्रेस दिया है जहां उनसे मिलने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं लोकेशन पर। ये हमारे शीनू भाई मिले हैं, कैसे हो? ये अक्सर मैंने वीडियो में देखता रहता हूं। तो भाई फाइनली हमें मिल चुके हैं हमारे मनोज भाई। मनोज भाई कैसे हैं? सबसे पहले अरवाज भाई को वेलकम हमारे धनबाद सिटी में। फर्स्ट टाइम आए? हाँ फर्स्ट टाइम। पहले आए थे यहाँ? नहीं पहले कभी नहीं। तो ये काफी बड़ा, मतलब बहुत अच्छी बड़ी बात है कि मैंने पॉडकास्ट ओपन किया और काफी लोग जो है बाहर से अब धनबाद आ रहे हैं। मतलब मैं तो पहले जाता था दिल्ली वगैरह, बट भाई को दिल्ली से मैंने धनबाद बुला लिया, काफी अच्छा लगा। एंड अभी जस्ट ये पहुंचे हैं, हम भी आए घर से रेडी वेडी होके। अभी हम लोग का पॉडकास्ट वगैरह शूट होगा, सारा स्टोरी भाई का समझ सुनने को मिलेगा। आपने कभी बताया आपने ब्लॉग्स में अपने बारे में? कोई ज्यादा कोई डिटेल में नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया ना। तो डिटेल में अगर आप लोगों को जानना है इनके बारे में तो मनोज देव पॉडकास्ट चैनल पर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। एंड बाकी बताइए कैसा लगा आपको यहाँ? यार बहुत अच्छा लगा। मैं तो दो बार खुश हूँ अपनी लाइफ में ज्यादा, जिस दिन आप संदीप सर के शो में आए थे यहाँ से खुशी मिली मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार उनके शो में गया था, बट मैं एज ए गेस्ट नहीं गया। आप गेस्ट गए और धनबाद से पहले शायद आपको? हाँ पूरे झारखंड से। पूरे झारखंड से आप पहले हो, तो मुझे काफी अच्छी लगी। और मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मनोज देव के साथ जो और भी टीम होती है ना पूरी, तो मनोज देव भाई बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली ही हैज सॉफ्ट हार्ट। तो ये शीनू भाई हैं जिन्होंने हमें वेलकम किया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि खुद आए और इन्होंने मुझे वेलकम किया। सबसे बड़ी बात आना चाहता हूँ कि फर्स्ट जब मैंने मैसेज किया ना मनोज भाई को, तो इन्होंने मुझे एक बार में रिप्लाई किया, और इन्होंने मुझसे ये कहा अरवाज भाई आप पॉडकास्ट में आइए। तो आप समझ सकते हो कि जब सक्सेस मिलती है ना उसके बाद वहां पर स्थिर रहना ये कितनी बड़ी बात होती है। तो ये इनका एक छोटा सा ऑफिस है, अभी थोड़ा काम ही चल रहा है एक्चुअली, कंस्ट्रक्शन ही है और लाइट धीरे-धीरे हो रहा है। मैनचेस्टर लाइट गई हुई है आज। तो ये देखो तीन वो है,
एक गोल्डन है, दो सिल्वर है। पहले सुनिए ना, जैसे दो पॉडकास्ट अभी तक आया है चैनल पर, हाँ, तो दो में जो है पसीना पोछ पोछ के जो आए थे गेस्ट वो बनाया था, एसी भी लगवाया। अच्छा, जब एसी वगैरह सब कुछ लग गया था, आज लाइट नहीं है, लाइट अब क्या ही कर सकता है। ये मेरे बड़े पापा का लड़का भाई है, भाई है भाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू। राजू भाई वो रहा वीडियोग्राफर, वो अच्छा वीडियोग्राफर। क्या नाम है आपका? दीपक पंडित। दीपक भाई हमारे, ये दीपक भाई है। बहुत खुशी हुई एक्चुअली, एक डेढ़ घंटा हमारी बात हुई, हमारे स्टूडियो अगर दिखाइएगा तो मैं अंधेरा नहीं रहूंगा। हाँ, तो एक डेढ़ घंटा हमारी बात हुई है, वो काफी अच्छा फील हुआ, हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी। देखो ब्रेकफास्ट कितना रखा हुआ है, ब्रेकफास्ट आ गया, सब कुछ आ गया बहुत अच्छी तरीके से। और ये देखो अक्सर आप मनोज भाई के ब्लॉग में आप देखते रहते होंगे, मोटा भाई बताओ, अरे मुझे मोटा लगता है। तो अभी अरमान भाई को खिला रहे इडली, क्योंकि ये डाइट बहुत ज़्यादा प्रॉपर एकदम रहते हैं, डाइटिंग वो रहा है। हमको रिच खाना नहीं खाना है, जैसे फैट जिसमें बढ़ता है, बिरयानी नहीं खाना, चिकन नहीं खाना, फिर हम समोसा लाएँ, मीठा लाएँ, वो नहीं खाना, इडली खाना है। तो चलिए हम इडली खाते हैं, उसके बाद हम लोग शूट करेंगे, ठीक है? स्टार्ट। तो भाई खाना खा लिया, हमने इडली खाई थी और थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ मैं अपनी बॉडी में। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पर हमारा इंटरव्यू होने वाला है, यानी पॉडकास्ट होने वाला है, तो वो ये रूम है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हो, ये वो रूम है, और ये हमारे सीनो भाई, ये हमारे मनोज भाई। हाय गाइस, तो अभी होगा अरबाज जी का पॉडकास्ट शूट, सारा अभी सेटअप रेडी है, बस इनको बैठना है। ये हमारे भाई दीपक भाई। तो देखो एक पता क्या था, एक वीडियो के पीछे ना बहुत सारी मेहनत होती है और कई घंटों की मेहनत होती है, ये पूरी टीम है। और अभी तक टीम हैवी नहीं, टीम कम लगे एग्जैक्टली घर के ही बंदे हैं। ये भाई ने बहुत अच्छी मेहनत की है। देखो इस पर मोटिवेशनल थॉट्स लिखे हुए इन्होंने, ये लिखा हुआ थॉम्स एडिसन के लिए, वेट नहीं करना चाहिए, राइट टाइम का, हाँ जब हो तब से राइट टाइम, मतलब अभी चाहो तो अभी से राइट टाइम, सही बात है। वो ये देखिए माइक भी काफी महंगे हैं और कैमरे एक्चुअली कई सारे, एक कैमरा ये है सोनी का, उधर भी सोनी का है, ये सोनी का कैमरा है, कैनन का है ये वाला, कैनन का ना, उधर सोनी का, उधर हाँ। ये देखो ये लगाइए, ये वाइट उसके लिए आवाज के लिए, ताकि आवाज गूंजे ना। भाई का सारा काम माशाल्लाह बढ़िया है। तो दोस्तों अभी हम इंटरव्यू शुरू करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो सफर कैसा रहा पहले ये बताओ आप? सफर बहुत अच्छा रहा। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ, और 10th 12th करने के लिए भी लाले पड़ गए थे उस टाइम, वही प्रॉब्लम, हाँ इतनी आसान नहीं था, तो मुझे मिलती थी। चलिए जितने आप संदीप सर के शो में आए थे उसके लिए, और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। मुझे बता दें आप जो है एप्पल की बहुत फैन, तो ये भी पहनोगे? बट पहन लेता वही है, सेम नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत ही प्यारा गिफ्ट, एक वॉच है ये बोल्ट का, काफी सुंदर, थैंक यू सो मच, एंड आप यहाँ आए उसके लिए फिर से एक बार थैंक यू। अभी शाम में इनका ट्रेन है रिटर्न, ठीक है? तो भाई अभी ऑफिस से हम जा रहे हैं मनोज भाई के घर, ये लिफ्ट में बैठे हुए हैं और घर ही जाकर एक्चुअली में इंटरव्यू करेंगे हम। तो अभी हम जो चल रहे हैं वो घर चल रहे हैं। तो देखो ये होता है डॉग पालना, इतना आसान होता नहीं है मनोज भाई ना। इसे टॉयलेट के लिए कर लिया टॉयलेट, अच्छा अच्छा। तो ये कार है और अभी हम चल रहे हैं मनोज दे भाई के घर, वहीं पर स्टूडियो है, वहीं पर मेरा इंटरव्यू होगा इनके साथ। चलो भैया कोलकाता 277 रह गए यहाँ से, और रांची भी लगभग इतना ही रह जाता है, 4 घंटे का सफर मात्र केवल। तो भाई हम जो आ चुके हैं ना मनोज दे भाई के ऑफिस आ चुके हैं, जहाँ पर घर है, ये देखो। मनोज भाई कैसे हो? यही वाला लोकेशन वीडियो में देखे होंगे आप। हाँ पहले तो इधर बनाते थे, अभी फिलहाल ये बोर्ड लगने के बाद, अब इधर बोर्ड लग गया ना भाई, यार वाकई में बहुत ही शानदार, ये तो काफी बड़ा बोर्ड है भाई। ये इनके चेयर काफी अच्छा लगता है, मतलब यहाँ से सारा काम होता है आपका, सारी चीज यहाँ से करते रहते हैं। ये पूरा एडिटिंग वेडिटिंग होता है इसमें। अच्छा बहुत ही शानदार, ये किसी फैंस ने बना के दिया था ना? कोई ला के दिया सब्सक्राइबर। अरे वेरी गुड। देखो ये तो मैं अभी मनोज भाई के स्टूडियो में हूँ, और यहाँ पर हमारा जो है इंटरव्यू शूट होने वाला है, यानी मैं करने वाला हूँ भाई का इंटरव्यू, जो मेरे ब्लॉग चैनल पर आएगा,
और इसको आप जरूर देखें, ये घर पर ही है इनका। और अभी तो ये जो पूरा घर का सेटअप है इनका बना हुआ है, इन्होंने एक मेन जगह जो ली है वो धनबाद में ली, जो इन्होंने संदीप महेश्वरी वाले सेशन में भी बोली थी वहां इनका घर बनेगा। वो कितनी जगह है? वो 5.5 डिसमिल है, मतलब 3.5 कट्ठा के करीब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यार काफी बड़ा घर हो जाएगा वो तो। ये अच्छा 24 स्क्वायर फीट। चलो ये अच्छा ही आएगा, देखते हैं। दोनों की चालू रहेगी ना? एक मिनट। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो भाई हमने ना अभी इंटरव्यू किया मनोज भाई का, मैंने एक चीज सीखी मनोज भाई से कि किस तरीके से क्या होता है ना कि मतलब जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है ना 7-8 साल का, तो आप यूनिक बन जाते हो। देखो हमारे पास माइक नहीं था, इन्होंने लाइट का इंतजाम किया। ऐसा नहीं है कि इनके पास है नहीं, सब कुछ है, बट एक नया हमें एक्सपेरिमेंट करना था। बिना माइक के हमने वीडियो शूट किए, बिना गिम्बल के किए, ये देखो इस तरह की है और ये की है। काफी अच्छे एक्सपीरियंस जो है आपको ना मेरे जो चैनल पर आएगा ब्लॉग, जहां मैंने इंटरव्यू किया है और बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं यार, यकीन मानिए अमेजिंग यार। मतलब इतनी सी एज में जो इनके अंदर गट्स है ना यार, वाकई में डिजर्व करते हैं। और इसलिए ये इंडिया के नंबर 1 टेक चैनल इस कैटेगरी में जहां से उठकर आए, ये इतना आसान होता नहीं है। कैसा लगा? थैंक यू। अच्छा मैंने सवाल कोई गलत नहीं पूछा आपसे? नहीं नहीं, एक नंबर। और काफी जुगाड़ लगा के हमने अभी इंटरव्यू शूट किया। देखो हमारे पास गिम्बल भी नहीं था, बोला सब कुछ है। गिम्बल देखो ये रखा हुआ है पीछे, ये पीछे रखा हुआ है, सब कुछ है, बस हम कुछ नया ट्राई कर रहे थे। तो भाई अभी हम धनबाद में आए, यहाँ आए हम लिट्टी चोखा खाने के लिए, बहुत ही फेमस है। आपको क्या ऑर्डर करना है, घी वाला या विदाउट घी? घी वाला भाई। मनोज देव भाई के ब्लॉग में जो आए थे ना धर्मेंद्र सर, तो उन्होंने भी यहाँ पे यहाँ का जो लिट्टी चोखा खाया था, काफी फेमस है। तो पूरे दिन से कंट्रोल कर रहा था, कैलरी को बचा रहा था, मतलब सारी कैलरी भी यहाँ पर खर्च करूंगा। तो मैंने जो है घी वाला जो है लिट्टी चोखा मंगाया है, खाते हैं उसका टेस्ट देखते हैं फिर तो बताते हैं आप। तो भाई आप देख सकते हो ये है लिट्टी चोखा और टोटली देसी घी में है। ये देखो कितना तैर रहा है, आप खा के टेस्ट बताता हूँ। इधर आइए, इधर लाइट नहीं आ रहा। हाँ आप देखिए लाइट आ रहा, कैसा लगा? एक नंबर। जो इनके प्रोसेस होता है ना बनाने का, हाँ जिस तरीके से घी डालते हैं ना, बहुत ही मजा आता है। जब प्याज आ गया, जो चोखा होता है ना वो आलू का, बैंगन का, टमाटर का, इससे एक पेस्ट होता है। और लिट्टी तो तुम तो बताइए, आटे की होती है ना लिट्टी? हाँ बहुत ही शानदार भाई। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पर रेलवे स्टेशन धनबाद के, और बहुत ही मज़ा आया। जो उनकी वो थी ना लिट्टी चोखा, बहुत ही स्वादिष्ट। एक्चुअली में 2 पीस थे, मुझे 4 पीस लग रहे थे, एक पीस का रेट 30 रुपये था, 2 पीस थे 60 रुपये के, बहुत ही स्वादिष्ट। मतलब अगर 2 खा लिया आपने तो खाने खाने जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी जो ट्रेन है 8:25 पर है, और मनोज देव भाई से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना पूरे दिन का, बहुत ही गजब रहा। यानी ये मान के चलिए कि वो जिस मुकाम पर हैं आज वो, लेकिन माने जितना वो डाउन टू अर्थ है ना, नो डाउट मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ही अच्छा फील हुआ। एक सोशल मीडिया वाला कनेक्शन था, लेकिन दिल का कनेक्शन बन गया उनसे। और जल्द ही ब्लॉग आएगा और उनके पॉडकास्ट पे वीडियो या तो आ गई होगी या नहीं आई होगी तो मिल जाएगी, देख लेना। और मेरा भी चैनल पर उनका एक इंटरव्यू आएगा, मैंने इंटरव्यू किया उनका, वो भी आएगा। तो ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये रेलवे स्टेशन है धनबाद का। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अल्लाह हाफिज़।